कंगना रनौत का शो लॉकअप इस वक्त फैंस को बहुत ही ज्यादा एक्साइट किए हुए है। ये ऐसा शो है जो आपको अपने एज पर ले आएगा। जी हाँ भाई, लॉकअप जब शुरू हो रहा था तो कई कम लोगों को ऐसा लगा था कि ये शो सक्सेसफुल होगा, लेकिन लॉकअप ने तो अपनी एक अलग ही पहचान कायम कर ली है और इसका काफी हद तक श्रेय जाता है जेलर साहब यानी कि करण कुंद्रा को। करण कुंद्रा लगातार इस शो से जुड़े हुए हैं और अब लगातार इस शो को लेकर करण भी इक्वली तारीफें बटोरते हैं। जब भी करण कुंद्रा एंटर होते हैं एज अ जेलर, उस दौरान शो की टीआरपी वाकई काफी ज्यादा हाई हो जाती है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि लेकिन अब करण कुंद्रा फैंस और लॉकअप के फैंस के लिए बुरी खबर सामने आ सकती है। जी हाँ, ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द करण कुंद्रा इस शो को अलविदा कहते नजर आएंगे। आखिर क्या रीजन है? हम सभी जानते हैं कि लॉकअप इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलर रियलिटी शो के तौर पर चल रहा है। हालांकि इसका कंपैरिजन बिग बॉस से नहीं किया जा सकता क्योंकि बिग बॉस सदियों से चला आ रहा है। लॉकअप का ये पहला सीजन है और जनता इस पहले सीजन को ही काफी ज्यादा एंजॉय कर रही है। बट अब आपको बता दें कि माना जा रहा है करण कुंद्रा ने जितना सोचा था उससे काफी ज्यादा लॉकअप जो है वो आगे चलता चला जा रहा है, जिस रीजन से करण कुंद्रा के कई और ऐसे प्रायर कमिटमेंट्स हैं जिनको वो पूरा करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से वो शायद मुंबई से बाहर होंगे। ऐसे में उनका जेलर बनकर वहां पर आना मुमकिन नहीं लग रहा। लेकिन इसी के साथ साथ दूसरी खबर ये आ रही है कि करण कुंद्रा को एज अ जेलर रिप्लेस कर सकती हैं शहनाज गिल। जी हाँ, ये डिटेल अब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन इसकी नहीं आई है, लेकिन बॉलीवुड लाइफ की माने तो न्यूज ये है कि द मेकर्स आर डेफिनेटली गेटिंग ग्रेट व्यूअरशिप फॉर कंगना रनौत एंड शी इज डूइंग अ फैब जॉब, बट द व्यूज are more on days when Karan Kundra comes as the jailer. It is obvious that Karan Kundra has been loved on Bigg Boss 15. There is an organic and definite craze for him. He has helped Lockup achieve the numbers of significant manner, definitely. But ha, due to some reasons, Karan ke kai sare clashes ho rahe hain. Chahe wo dance diwane ho, chahe wo jailer ki bhumika ho, कई सारे बैक टू बैक म्यूजिक वीडियोस हो, ऐसे में करण इस वक्त ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से माना जा रहा है कि जल्द से जल्द शहनाज गिल की एंट्री हो सकती है लॉकअप में। वेल, आप शहनाज के लिए कितने एक्साइटेड हैं लॉकअप में आने के लिए बताइएगा जरूर हमें कमेंट सेक्शन में।